हेलो दोस्तों, देखिए आज हम अपने आंगनबाड़ी में क्या बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम दाल मसूर का है, इसको दो तीन पानी हम वॉश कर चुके हैं और देखिए यहाँ पानी डाल चुके हैं हम। और इसमें अब जाएगा मेरा ये ढेर सारे कोहे के पत्ता। सादा दाल आप लोग बहुत खाए होंगे, इस तरह बना के खा के देखिए ये दाल कितना टेस्टी और कितना हेल्दी है। और बच्चा देखिए मेरा कितना आया है, लो बच्चा बहुत है। पद दरवाज़ा बंद करो। अब ये गया, अब इसमें गया ये नमक, यहाँ गया हल्दी पाउडर, यहाँ हम इसमें डाल देंगे हर जीरा काली मिर्च है इसमें, सब चीज़ है, लहसुन उसुन सब है, सूखा पेस्ट है। और देखिए बच्चे इतने सारे आए हैं मेरे आज, तो इन लोग के लिए आज दाल चावल बना रहे हैं, तो आज मेरा बच्चा खाएगा। एक बार बोलो सारे बच्चे हाय बोलो। तो देखिए कितना बच्चा है मेरा, एकदम सब कविता करने वाला है, पढ़ने वाला है, डिसिप्लिन में रहता है, अच्छा बच्चा, हल्ला नहीं करता ये लोग, कभी तो हल्ले नहीं करता है, साफ ही लोग। हम सबको इसमें एक बार मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, और अब हम इनको गैस पर भी चढ़ा देंगे। तो देखिए हम गैस पर अपने दाल भी चढ़ा चुके हैं, अब ये दो तीन सीटी उबाल मारेगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे गैस को। तो देखिए यहाँ पर मेरा दाल हो चुका है, देखते हैं इसका कलर। तो देखिए कितने नम पत्ता जो हम डाले थे वो भी एकदम गल गया है और एकदम गाढ़ा हुआ है। देखिए जब हम इसको दूसरे बाउल बर्तन में निकाल देंगे, देखिए इसका कलर। और आप लोग ऐसे तो दाल बहुत खाएंगे, लेकिन इस तरह बना के खा के देखिए बहुत स्वादिष्ट लगता है ये दाल। मेरे बच्चे बहुत मांग मांग करके खाते हैं। अभी देखिए इसमें है, इसको हम अच्छा से एकदम बच्चों को परोसा जाएगा दाल और भात गरम गरम। देखिए अब इसमें हम तड़का लगा देंगे और थोड़ा इसमें जो माँ है ये विटामिन सारा चावल का इसमें चला गया है, तो इसलिए थोड़ा सा हम यूज करेंगे। देखिए तो हम कलछुल गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इसमें जाएगा मेरा तेल। मेरे इतना सारा जीरा इसमें, में जाएगा ये सूखा मरचा, दो तीन हम तोड़ लिए हैं इसको। अब लगाएंगे हम यहाँ दाल में तड़का। तो देखिए मेरा दाल एकदम स्पेशल दाल आज तैयार है।
जैसे बताएं वैसे आप लोग बना के खा के देखिए और तब कमेंट में हमको भी बताइएगा कि कैसा लगा। अब बच्चों को परसा जाएगा खाना, तो देखिए यहाँ अपना थाली लगा लेते हैं क्योंकि पहले हम लोग को ही खाना है फिर बच्चों को देना है। तो देखिए यहाँ हम अपना थाली लगाएं, यहाँ हो गया चावल, यहाँ हो गया मूली, एक अचार, यहाँ आ गया मेरा दाल, हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम बच्चों को भी खिलाएंगे क्योंकि हम लोग को भी पहले खाना बनाकर हम लोग को खा लेना है तभी बच्चों लोग को देना है। एक बार किसी तरह हो चुका है ऐसे स्कूल में कि टीचर खाए नहीं बच्चों लोग को दे दिए, बच्चों लोग का तबीयत खराब हो गया, तब से हम लोग खुद खाना पहले खाते हैं तो बच्चों को देते हैं। तो देखिए हमारे बच्चे अब हाथ धोने जा रहे हैं सारे बच्चे, अब इन लोग को गरम गरम दाल और भात परोसा जाएगा क्योंकि मेरे बच्चे लाइन लगे हुए हैं, अब खाना हम इन लोग को देंगे। तो यहाँ देखिए गरम चावल दिए हैं अपने बच्चों लोग को, तो चलिए देखिए मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि आज का हमारा खाना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।